कृष्णा टू द ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल दिन है, क्योंकि आज जो है हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी का छठी है, यानी कि षष्ठी, जो हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी में षष्ठी बोलते हैं, जो बॉर्न के सिक्स डे के दिन होती है, जो नियम है वो आज करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, हर त्यौहार का, हर नियम का, हर किसी मोमेंट का भी मैं एक्साइटेड रहती हूँ। सो आई एम सो हैप्पी। एंड हम जो षष्ठी मनाते हैं, हमारी कास्ट का जो ब्राह्मण है उन्हीं से मनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे कास्ट का ब्राह्मण यहाँ पे कहाँ मिलेगा, जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे कैसे मिलेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ नज़दीक में एक बहुत अच्छे पंडित है, उनको हमने इनवाइट किया है, हम लोगों ने इनवाइट किया है, तो वो आने वाले हैं और ये जो विधि है, ये जो नियम है, ये संपन्न करने वाले हैं, शाम के टाइम होगा। सो क्या है ना कि पंडित तो पंडित होता है, आप चाहे किसी भी कास्ट का हो, लेकिन जो नियम है, जो इंटेंशन होगा, काम के पीछे जो महत्व होगा, जो मेन जो उद्देश्य होता है, जो इंटेंशन होता है, वो तो एक होता है ना। तो चाहे कोई सा भी पंडित हो, किसी भी कास्ट का पंडित हो, इंटेंशन तो एक ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने जो इनवाइट किया है पंडित जी, आज वो प्रोग्राम करेंगे हम लोग, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हमारे गुड़िया रानी का षष्ठी देखने के लिए हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, ठीक है। सो व्यूअर्स, अभी फ़िलहाल हमारी जो गुड़िया रानी है वो नहीं है, मम्मी पापा और बच्ची को लेके डॉक्टर के पास गई है। आज डॉक्टर का विजिट है तो वो लोग डॉक्टर के पास गए हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे। अब मैं खाना बनाने वाली हूँ, जल्दी से खाना बना के, खाना खा के, सब काम निपटा के, कंप्लीट करने के बाद शाम हो जाएगी जल्दी से, उसके बाद हम लोग जो षष्ठी है वो मनाएंगे। गाइस ये देखिए, जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, बच्चे थे ना, जो मैंने दिखाया था एक से बच्चे बन गए, ये देखिए जस्ट उड़ना सीख गए, मतलब जस्ट उड़ना सीखे हैं, ज़्यादा उड़ नहीं पाते, मतलब सिर्फ नीचे से, मतलब ऊपर ये जो हमने जो वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ से नीचे नहीं उतर पा रहा, पता नहीं कब से देख रही हूँ, बस यहीं पे खड़ा है ये देखिए। गाइज आपको गर्मी कैसी लग रही है? आई होप बहुत अच्छी लग रही होगी, ये देखिए इसका नतीजा। गर्मी में जूस लेने का कुछ अलग ही मज़ा है, मतलब इतना सुकून फील करते हैं जब जूस पीते हैं तो। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पंडित जी आ गए हैं और जो नियम है वो शुरू हो चुकी है। बोला जाता है आज के दिन विधि आके विधान लिखते हैं, हमारे में बोला जाता है जो विधना ने लिख दियो छठी रात के अंक और राई घटे न तिल बगे रहता जीवन संग। छठी की रात में विधना जो है बच्चे का भाग्य लिखती है। बच्चे को ले आओ ना, बच्चे के भी तिलक लगाएंगे, बच्चे को ले आओ। ओम मालिक्यावशु विग्रहा विश्वदेवा मधुग्रहा तिलकं कर्तुं सन्तु
कलावा जो है ना सोने हाथ में नहीं बनाते, इसलिए पैसे हाथ पे रख करके फिर बनाते। एक पल्ले का कोना दे दो मुझे, इसको अपने कंधे पर रख लो। ब्रह्मा को दीर्घाय विष्णु दिसंबर शिवा को कल्याण मस्त ओम भो दीपदेव रूपस्थम कर्ण सा संतु मई अम्म विशोरराटमसी विशोसन श्रेष्ठ विश्व शिवरसी विश्व ध्रुवसी वैष्णवसी विश्वे अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवताय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम पितृणाम चा नमस्तस्मै विश्ववै पावकात्मने। बोलिए ओम अग्ने सांडिल्य गोत्र मेघध्वज प्रांगमुख मम सम्मुखो भवः, ऐसे तीन बार घुमाओ। लो ये सामग्री आप रख लो अपने आगे, इसमें से आप डालते रहना, आप इसमें से डालते रहना। आम देवता भ्यो नमः स्वाहा स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा, सर्वेभ्यो स्वाहा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम स्वाहा, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां। ये सामग्री इकट्ठा कर लो, ये गोला ले लो, गोले में बच्चे का हाथ लगवा लो और माता जी का हाथ लगवा के ले आओ। टच करना है बच्चे का हाथ लगाना है ऐसे। गोला ले लो आप, गोले को लंबा पकड़ लो। जब स्वाहा बोलेंगे तो ये गोला बीच में रख देना है और आप लोग सामग्री डाल देना है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावस्थे पूर्णत्वं स्वाहा। गोला रखो पहले, सामग्री डाल दो सारा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावस्थे पूर्ण, सारा डाल दो, पास डाल दो। विनय और न दूजायास करुम जिसकी ओम जय जगदीश हरि। पर क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरि। श्री श्याम सुनर जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते। सिक्का निकालो, तुम सिक्का निकाल लो। मंत्रार्थ संभव संपदन आप उठा लो संभाल लो। वेलकम माने स्वागत कर दो, क्या ये स्वागत हो गया। आप इनका वेलकम कर दो, ये भाग्यवान है ना, मस्त बढ़िया लग रहा है। खड़े हो जाओ। हाँ ये प्रसाद भी रख लो।
फल का प्रसाद और किसी को नहीं देना। ये सिर्फ हमें खाना है। हाँ, ये देखिएगा ये है मेरा फल ये है मेरा फल जो कि मैं खाने वाली हूँ, सिर्फ मैं खाऊंगी। पंडित जी, ये मैं अपने पति के साथ शेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये है प्रसाद। अच्छा, वो गांव का नाम ही राम जन्मभूमि, जैसे यहाँ पे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि। हाँ, ऐसे जैसे मथुरा वृंदावन, ऐसे वो है। मैथिली भी है ना? मैथिली तो अलग हो गया। अच्छा। मैथिली बिहार में पड़ता है। अच्छा। राम जी का विवाह बिहार में हुआ था। अच्छा। बारात जो है यहाँ अयोध्या से बिहार गई थी, जनकपुर जन्मभूमि। हाँ, जनकपुर जो है ना, राजा जनक जो है बिहार के रहने वाले हैं। मिथिला नरेश। हाँ। सो गाइज, आज यज्ञ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आती है और बहुत ही सुकून सा फील होती है। ऐसा मतलब भगवान का जब ऐसा कुछ होता है, कुछ मनाते हैं, भगवान की जो पूजा पाठ होती है, तब है ना घर भी पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। सो ऐसा करना चाहिए। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम लोगों से थोड़ा अलग है, लेकिन जो भी गया भगवान की कृपा से सब अच्छा गया। हमारी गुड़िया रानी का छठी बहुत सुंदर से हो गया। ये देखिए जल रही है, अभी तक जल रही है। ये हम अभी बुझाएंगे नहीं, क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि ये हम जलाते रहना है। जितना जलेगा उतना अच्छा है, जितना जलेगा तब तक रखना है इसको। तो बहुत अच्छा सुकून सा फील हो रहा है। कहा जाता है आज छठी के दिन नाम दिया जाता है बच्चों की, मतलब न्यू बॉर्न बेबी का नाम दिया जाता है। तो हमारा गुड़िया रानी का नाम रखा है रियाना, यानी कि रियाना मीन्स ग्रेट क्वीन और गॉडेस, तो इसका मीनिंग यही है। तो जैसे कि मैं हमेशा बुलाती हूँ गुड़िया रानी, तो गुड़िया रानी का नाम रानी ही है। इसका जो रियाना का मीनिंग है वो रानी है, ग्रेट क्वीन है। ये नाम सबको बहुत अच्छा लगा, सबके जनरलाइज करके ये नाम रखा गया। मोशुमेरी के ससुराल में सबको ये नाम बहुत पसंद आया, और मेरी मम्मी को भी पसंद आया रियाना मीनिंग, रियाना नाम, और बुलाने में भी थोड़ा सा इजी लगता है ना, सो इसलिए रियाना नाम रखा गया है। ये जो धुआं है इसके वजह से हमने क्या किया, ये विंडो भी खोल दिया और इधर भी दरवाज़ा खोल दिया। वैसे तो मच्छर का डर रहता है, लेकिन आज धुआँ आ रही है, धुएँ की वजह से मच्छर नहीं आएंगे। आई एम श्योर। तो मतलब धुएँ की वजह से बच्ची को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे कोई बात नहीं, शी इज़ ऑल राइट इन द रूम, एंड हमने ये विंडोज़ वगैरह खोल रखे हैं, दरवाज़ा भी खोल रखे हैं। धुआँ जा रही है बाहर, और हमारी बच्ची क्या कर रही है? हमारी प्याली रियाना, हेलो रियाना, काकलिए कभी धोती है। बच्ची का षष्ठी करके कैसा लग रहा है मौसम मेरे? अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है ना, पॉजिटिविटी फील हो रही है ना, घर का अलग ही माहौल हो गया ना। तो ये देखिए गाइस, हमने पूरा ये जो बेलकोनी का सारे दरवाजा खोल रखे हैं हम। तो अभी जो है मैं ये जो सामान है इसको मैं कलेक्ट करूँगी, और कलेक्ट करके थोड़ा सा मैं कलेक्ट करके मैं इसको ठीक करती हूँ। अभी ये सब ठीक करना पड़ेगा। ये जो सामान है एक जगह अच्छे से रखना पड़ेगा, सारे ये जो चीज़ें हैं मैं इसमें सब डाल दूँगी। इसको एक अच्छे से बगीचे में, जैसे बाग हो गया बगीचा, अच्छे से कलेक्ट करके एक जगह पर रखते हैं। और इसके बाद
इन चीज़ों को पार्क वगैरह में विसर्जित करने के लिए बोला है पंडित जी ने। सारे जो यूज्ड सामान है यहाँ पे रखूँगी। चावल वगैरह है, गर्मी तो लग रही है लेकिन अच्छा भी लग रहा है, भगवान की गर्मी है इसलिए, यज्ञ वाली गर्मी है इसलिए अच्छा लग रहा है। माँ आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि आप हमारे में तो अलग होता है ना, और आज लेकिन यहाँ के नियम जो है वो थोड़ा सा अलग है, फिर भी आपको अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। यज्ञ जब होता है तो बहुत बढ़िया लगता है नहीं? हाँ, मन को कैसा लग रहा है? मन को अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमारे घर में आके विराजमान है ना? तो एवरीवन, आज का ब्लॉग ये पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट पे ज़रूर बताएगा कि आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो पूजा थी वो कैसी लगी आपको, ज़रूर बताएगा। एंड यस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। तो मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड यस, पूजा पाठ करते रहिए। चलिए, बाय बाय।